नमस्कार दोस्तों, मैं मुजाहिद भारतीय इस वक्त राघोगढ़ से आपके सामने हूँ। आपका स्वागत करता हूँ डिजियाना न्यूज की चुनावी चौपाल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आगामी माह की 17 तारीख को राघोगढ़ में नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। राघोगढ़ के नगर पालिका के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बजट वाली नगर पालिका जो कि राघोगढ़ नगर पालिका कहलाती है, इस वजह से यहां का चुनाव एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। इस चुनाव से पहले डिजियाना न्यूज की चौपाल राघोगढ़ में इसलिए लगाई गई है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि यहाँ की जनता की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं और आखिरकार उस चुनाव को लेकर राघोगढ़ की जनता के क्या रुझान हैं। हम रूबरू होंगे जनता से बहुत जल्द। आपके सामने पूरा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं राघोगढ़ की चौपाल। इस वक्त हमारे साथ राघोगढ़ की जनता मौजूद है। मैं जानना चाहूंगा जनता के बीच में से कि इनकी क्या समस्याएं हैं राघोगढ़ चुनाव को लेकर। पिछले 5 वर्ष राघोगढ़ नगर पालिका के जैसे भी गुजरे उसके बारे में बताएंगे, साथ ही इनकी समस्याओं के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले, क्या नाम है आपका? दिलशेर खान। दिलशेर खान साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, ये बताना चाहेंगे राघोगढ़ नगर पालिका चुनाव के बारे में क्या आपकी समस्याएं ऐसी जो पिछले 5 सालों में हल नहीं हो पाई हैं और आगामी चुनाव में आप क्या करने वाले हैं? राघोगढ़ में समस्या के अलावा और कुछ नहीं बचा। राघोगढ़ में ये मान लो कि नल वालों के पास एप्लीकेशन लिए जाते हैं तो नल नहीं आ पा रहे हैं क्लियर, अभी भी देख रहे हो। इनकी से ये बता रहे हैं कि राघोगढ़ में नल को लेकर बड़ी समस्याएं हैं, यानी कि पानी को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। और हमारे साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। इमरान खान। इमरान खान हमारे साथ हैं राघोगढ़ के नगर पालिका से संबंधित समस्याओं को लेकर। इमरान खान कुछ आपके सामने बात रखना चाहते हैं। सर, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं राघोगढ़ नगर पालिका चुनावों का बहिष्कार कर चुका हूँ और मैं किसी भी पार्टी को अपना वोट नहीं देना चाहता। मेरा मानना है कि अपना वोट देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। विगत 20 वर्षों से जहाँ जो भी सरकार यहाँ बैठी हुई है नगर पालिका के अंदर, कोई भी काम नहीं किए जाते हैं, सिर्फ अपने लोगों के पेट भरे जाते हैं, आम जनता भूखी के भूखी रह जाती है। लेकिन आपके एक अकेले वोट ना देने से ऐसा क्या हुआ? क्या आपके साथ इस बहिष्कार में जनसमर्थन मौजूद है? सर, ऐसा है, मैंने अपनी लड़ाई अपने स्तर से शुरू की है। मेरे साथ जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ेंगे और मुझे पता है मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, ये तो चुनाव नतीजे आपको बता देंगे। ऐसी कोई बड़ी समस्या जिसकी वजह से आप चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आम जनता का यहाँ कोई सा भी काम नहीं होता है। यहाँ पर अभी आप लोगों से बात करेंगे, नल नहीं आ रहा है, पानी नहीं है, कूपन नहीं है, गरीबी रेखा के कूपन नहीं है, बहुत सारी समस्याएं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत कोई भी समस्या नहीं है। मैं आज यहाँ पर खुलेआम कहना चाहता हूँ, मैं इमरान खान यहाँ पर खुलेआम कहता हूँ, मेरी व्यक्तिगत कोई भी समस्या नहीं है। यहाँ पे इमरान खान ने हमें बताया कि इनकी व्यक्तिगत तो कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन शहर की जनता की जो समस्या है उसको लेकर ये चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनके साथ बहुत बड़ा जन समर्थन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और भी हमारे साथ यहाँ से साथी जुड़े हुए हैं जिनके साथ मैं आपको ले जाना चाहूंगा। जी भाई साहब, आपका नाम जानना चाहता हूँ। राम मोहन चौक से जी हमारे साथ है राघोगढ़ चुनाव को लेकर, कुछ आपका समस्या या कोई रुझान? जैसे मेरे भाइयों ने बताया है, इमरान खान और दिलशान खान ने, कि वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। चुनाव बहिष्कार कोई समस्या का समाधान नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस के कुशासन से जनता परेशान हो चुकी है। जनप्रतिनिधि की तरह बात ना करें, जनता की तरह बात करें। मैं जनता की हैसियत से बता रहा हूँ कि यहाँ का विकल्प केवल एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा, इस कुशासन का अंत होगा। लोग वाकई इतने परेशान हो चुके हैं यहाँ के भ्रष्टाचार से, यहाँ की अव्यवस्थाओं से, यहाँ के एकाधिकार से, यहाँ के वंशवाद से, यहाँ के जातिवाद से, यहाँ के सामंतवाद से। ये तो रही इनकी बात, लेकिन जनता क्या चाहती है? ये चाहते हैं भाजपा के लिए कोई मसला नहीं है, जनता क्या चाहती है हम जनता के रुझान जानना चाहते हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि राघोगढ़ की जनता की जो समस्याएं सामने आ रही है, क्या इनका रुझान भी उसमें कुछ है? मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी घोषणाएं की जाती हैं वो सरासर झूठी की जाती हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से खिलवाड़ किया जा सकता है, किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान किया गया है तो वो मुस्लिम समाज के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस नगर पालिका क्षेत्र में 5,000 मुस्लिम समाज के वोर्ड है, लेकिन उनको ऐसे तरीके से धिक्कार दिया गया है। उनकी समस्या मैं आपको गिनवा देता हूँ, आप गिनिए समस्या में गिनवाता हूँ। इन्होंने घोषणा की थी, मेरे पास घोषणा पत्र भी रखा हुआ है। इन घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था,
कहा था 1,00,000 रुपए हम साल देंगे, उन्होंने कोई घोषणा का कोई आवेदन कोई नहीं हुआ, 1 रुपया किसी उस कमेटी को नहीं दिया गया है। इन्होंने इतनी बड़ा 60 दुकानों का कॉम्प्लेक्स बना हुआ पड़ा हुआ है। ये काम जनप्रतिनिधियों का होता है कि इस मसले को हल करा जाए, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस बात को नहीं उठाया। आज हम देखते हैं कि हमारे मोदी जी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। आप यहाँ से थोड़ी दूर चल के देखिएगा, एक साइड मड़गढ़शाला है, एक साइड कब्रिस्तान है। हम मड़गढ़शाला का विरोध नहीं करते, बहुत अच्छा सुंदरीकरण करना चाहिए, लेकिन क्या कब्रिस्तान नहीं है? क्या कब्रिस्तानों की सफाई नहीं होना चाहिए? क्या कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल नहीं होना चाहिए? हाँ, अगर वो कहते हैं कि इस पर विवादित है, तो जब विवादित कब्रिस्तान है तो मड़गढ़शाला क्यों विवादित नहीं है? इस पर बिल्कुल तरीके से उन्होंने कोई काम नहीं कर रहा है। ये मुसलमानों को एक तरीके से धकेल करके रख रखा है। मैं मुस्लिम समाज से गुजारिश करूंगा कि इस बार भाजपा का वोट देना है आपको। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष दिलावर खान ने जो बात कही, जो कि मोदी जी ने वहां पर कही थी उत्तर प्रदेश चुनाव में, यहां पर भी चुनाव में कब्रिस्तान और मरघटशाला का मुद्दा आ ही गया है, फिर भी हम आमजन की राय जानना चाहेंगे और लोगों से हम मिलना चाहते हैं। जी, आपका नाम? चंदन सिंह बंतकार। जी जी सर, मैं चंदन सिंह बंतकार नाम है, मेरा वार्ड नंबर 11 का रहने वाला हूँ। आज तक भी मुझे 15 सालों से मेरे मोहल्ले में आज भी नाली ऐसी पड़ी है, गंदगी पूरी, मेरे बच्चे लोग सभी लोग गिरते हैं, पट्टी दार डरने भैया अभी तक। ये 5 सालों में बहुत परेशान है हम, बिल्कुल अधिक ज्यादा। ये हमारी सरकार ने इसने कुछ नहीं किया था 5 साल, नगर पालिका रावण ने। ये पिछले 5 सालों के बारे में बयान कर रहे थे, इन्होंने बताया कि नाली की बहुत समस्या है, इनकी नाली की पिछले 15 सालों से सफाई नहीं हो पा रही है, लेकिन हम बात करेंगे पिछले सिर्फ 5 सालों की। हमारे साथ राघोगढ़ से इस वक्त मौजूद है राघोगढ़ के निवासी अल्ताफ पठान, जो राघोगढ़ की समस्याओं और इन समस्याओं के आखिर क्या समाधान हो सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। जी अल्ताफ जी, मुसाइद भाई बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राघोगढ़ की जो समस्याएं हैं, जनता यहां पर काफी समस्याएं बता रही है, आप भी राघोगढ़ के वासी हैं, काफी समय से राघोगढ़ में रह रहे हैं, ऐसी क्या समस्याएं हैं जो यहां पर राघोगढ़ में आपको देखने को मिल रही हैं और क्या इनका समाधान हो सकता है आगामी चुनाव में? आपकी क्या जो है जनता की रणनीति है इसको लेकर? हम उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं सबका साथ सबका विकास। राघोगढ़ में पिछले साल जो भी काम हुए हैं 5 साल में सबको दिख रहे हैं, और जो कुछ काम यहाँ नहीं हुए हैं आने वाले टाइम में हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह समस्याएं पहले जो समस्याएं थी इस बार नहीं है, आने वाले 5 सालों में समस्याएं और खत्म हो जाएंगी। ये वर्धन सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो काम चल रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष साहब ने जो काम किए हैं वो काम सराहनीय है, हम उससे संतुष्ट हैं। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। केला सुमन जी हमारे साथ है, क्या समस्या है ऐसी राघोगढ़ की लेकर जो बड़ी समस्या है, इसके बारे में आप बताना चाहते हो? राघोगढ़ में इस समय जो है दोबारा 5 साल बाद नगरपालिका का चुनाव आ गए, जो पहले 5 साल में वायदे किए थे, जैसे कि गैस पाइपलाइन लाएंगे, लोगों को घर घर पाइपलाइन से गैस देंगे, लोगों को फिल्टर का पानी देंगे, लोगों को जो है और भी कई अन्य ऐसे जो वायदे किए थे, नगरपालिका अभी तक 15 साल में कोई वायदे पूरे नहीं कर पाई है। और लगभग मैं समझता हूँ कि 1,300 करोड़ रुपये NFL और गेल से टैक्स नगरपालिका राघोगढ़ ले चुकी है अभी तक। मैं कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहूंगा कि 1,300 करोड़ रुपए तुमने कहाँ खर्च किए हैं, जरा हमको फील्ड में तो दिखाएं, कहीं तो दिखाएं। जो जनता कह रही है कि आज नालियां टूटी हुई है, पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है, तो आपने 1,300 करोड़ कहाँ खर्च कर दिए? कुछ तो हिसाब बताएंगे आप हमको, कोई तो हिसाब बताएंगे आप? यह जनता पूछना चाह रही है, पिछले 15 सालों का जवाब मांग रही है, और जो इनको टैक्स नगरपालिका और गेल से मिलता है उस टैक्स के संबंध में जनता यहाँ पे पूछना चाह रही है। राघोगढ़ से मैं मुजाहिद भारतीय डिजियाना न्यूज के लिए आपके साथ। राघोगढ़ से डिजियाना की चौपाल में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राघोगढ़ के ही निवासी भरत पटवा, जो आगामी नगर पालिका चुनाव के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं। जी पटवा जी, मैं बड़ी सहजता से आदरणीय आदित्य विक्रम सिंह जी, जो वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ आम जनता की ओर से। उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था गत चुनावों में, ये है, कई सारी घोषणाएं इसमें की गई हैं, और इन घोषणाओं में कितनी घोषणाओं पर अमल किया गया है अब तक 5 साल में, मेरा ये बड़ा सहसा सवाल है। आप देख सकते हैं मैंने ये कुछ घोषणाओं पर टिक किए हैं, जो घोषणाएं पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, एक एक घोषणा बोलकर बताना असंभव होगा। तो ये मेरा प्रश्न है कि आपने गत 20 वर्षों में नगरपालिका के माध्यम से लगभग 1,300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं,
उन 1300 करोड़ रुपयों में आपने बहुत सारे खर्च ऐसे दिखाए हैं जो वास्तव में हुए ही नहीं है। उदाहरण के लिए मैं 2-4 खर्च बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने एक स्टेडियम बनाया है लगभग 12 करोड़ रुपए से ट्रांसपोर्ट नगर के पास, वो वास्तव में धरातल पर है ही नहीं। आपका स्टेडियम है कहाँ, अस्तित्व कहाँ उस स्टेडियम का? एक आपने सड़क का निर्माण किया है जो कृषि उपज मंडी के सामने से होकर जाती है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साडा कॉलोनी के सामने जाकर खुलती है, वो आपने 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित की है, बट वास्तव में वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। ऐसे सैकड़ों काम हैं जो आपने वास्तव में किए ही नहीं है। क्या आप उनका जवाब देंगे इस चुनाव में वोट मांगने से पहले, या ऐसे ही आप 20 साल से जैसे बेवकूफ बनाते आ रहे हैं इस क्षेत्र की जनता को, ऐसे ही बनाते रहेंगे? बस सहसा यही सवाल। ये थी राघोगढ़ के एक आम आदमी की राय। अब मैं यहाँ पे और भी राघोगढ़ के भाई हमारे साथ मौजूद है जिनसे बात करना चाहूंगा। जी भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं तिलक सिंह मीना विधायक प्रतिनिधि हूँ यहाँ से। राघोगढ़ से विधायक प्रतिनिधि तिलक सिंह मीना जी हमारे साथ हैं। मैं जानना चाहूंगा राघोगढ़ की जनता की जो समस्याएं आपके सामने आ रही है और जो बात इन्होंने बताई अभी राघोगढ़ के जो पिछले घोषणा पत्र के बारे में, उसके बारे में जो अभी इन्होंने बताया है कि धरातल पे वो काम नहीं हुआ लेकिन कागजों में 12 करोड़ का और 9 करोड़ रुपए का काम हो गया, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? प्रतिशत काम नहीं हुए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, रावगढ़ में लोग पानी की बात कर रहे हैं, लोग यहाँ पे मटके भर भर के पानी कुएं से लाते थे। आज रावगढ़ के प्रत्येक घर पटार से लेकर यहाँ तक एक भी घर ऐसा नहीं जिसमें पानी नहीं जाता हो, और जो एक भी घर आप यहाँ से लेके पूरे क्षेत्र में देख लीजिए, ऊपर पटारों तक जाकर देख लीजिए, एक एक खरंजा, एक एक जगह नल, एक एक जगह पानी, लाइट सब मिल रही है। और ये रोडों की बात कर रहे हो सकता है एक दो जगह नहीं हो पाया हो, कुछ जगह ऐसी हैं, लेकिन 80% उसमें से हम लोगों ने काम किए हैं और आगे करेंगे। इनका कहना है कि इन्होंने पहले भी काम किए हैं और अब भी करेंगे, लेकिन कहां तक वो काम धरातल पर कामयाब हो पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और कोई साथी जो हमसे बात करना चाहते हैं? जी भाई साहब, हमारे साथ एक भाई मौजूद है जी, आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं नरेश वर्मा राघोगढ़ से। नरेश वर्मा जी राघोगढ़ से हमारे साथ हैं। मैं जानना चाहूंगा राघोगढ़ की जनता की जो समस्या है आपका क्या रुझान है? मैं सहज रूप से ये कह सकता हूँ, मैं राघोगढ़ की समस्या नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश की समस्या का निराकरण करता हूँ। चुनाव राघोगढ़ नगर पालिका, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा यूथ बेरोजगार लोग हैं जो कि सारे प्रदेश में, राघोगढ़ में भी हैं और सारे प्रदेश में है। नहीं, प्रदेश की राजनीति नहीं कर रहा हूँ मैं आम जनता की ओर से बोल रहा हूँ। इतनी बेरोजगारी है जिसकी अभी तक कोई भरपाई नहीं हो पाई है। संविदा शिक्षक भर्ती 2011 से अभी तक का कोई अता पता नहीं है, ये सरकार कर क्या रही है? हम खुद आम जनता ये पूछना चाहती है प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि इतने लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, इसका भाई ने जो पूछना चाहा, जो सबसे बड़ा मुद्दा देश का है वही राघोगढ़ में भी है, बेरोजगारी का मुद्दा, उसके बारे में भाई ने बात करनी चाहिए। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप यहाँ आ जाइए, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा सर। राम मोहन चौक से। राघोगढ़ नगर पालिका में ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के लिए कम से कम 300 करोड़ के ऐसे निर्माण कार्य किए गए हैं जिनसे 5 पैसे का फायदा नहीं है और जिनका उपयोग नहीं किया गया, जो अनुपयोगी पड़े हैं, केवल ठेकेदारों की जेब भरने के लिए 300 करोड़ रुपए के, जैसे सब्जी मंडी, रावण नगर पालिका में मंगल भवन जो बनाया बस स्टैंड, और साडा में बनाया गया है कॉम्प्लेक्स, रोठाई में बनाया बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स, ऐसे कम से कम सैकड़ों निर्माण है जो 400 करोड़ की लागत के हैं और जिनका 1 पैसे का उपयोग आज तक नहीं हो रहा है, केवल ठेकेदारों की जेब भरने के लिए काम किया जाता है। हमारे साथ एक और भाई यहाँ से मौजूद है, मैं नाम जानना चाहूंगा। पार्षद बात क्रमांक 7। बात क्रमांक 7 से पार्षद है, कौन सी पार्टी से पार्षद है? मैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से यहाँ पे पार्षद हमारे साथ है। राघोगढ़ की जनता की जो समस्या है कांग्रेस पार्टी क्योंकि यहाँ पर वजूद में है, उन समस्याएं जो आपने सुनी उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहूंगा कि मेरे वार्ड में, तो मैं बताऊंगा कि मेरे वार्ड में 65 लाख रुपए का काम हुआ है, जैसे कि सामुदायिक भवन 13 लाख रुपए का और रंगबाड़ी रोड सभी काम, मुर्दा घर का जीर्णोद्धार हुआ रही है, जनता मेरे मैं ये कहूंगा कि मेरे वार्ड में कोई भी समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। पानी की बात करोगे, अभी भाई ने बोला था पानी की, पानी मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे वार्ड में जाकर देखोगे रोड धुलती है, घर तो घर रोड धुलती है पानी से। वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद का कहना है इनके वार्ड में कोई समस्या नहीं है, 0% समस्या है, ये धरातल पर जाके हम इसका जरूर मालूम करेंगे। और लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जी भाई साहब, आपका नाम? नरेश सिंह धाकड़, आम आदमी पार्टी की तरफ। क्या बात है, आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैं आपसे जानना चाहूंगा राघोगढ़ के आगामी नगर पालिका चुनाव के लिए जनता की समस्याएं और आपका उसके प्रति रुझान। जी सर, मैं ये निवेदन कर रहा है, जैसे भाई बता रहे थे अभी, कि मेरी वार्ड में सही सुरक्षा है,
तो मतलब और वार्डन का भी तो मतलब में ध्यान देना चाहिए। सभी वार्डो में बहुत अच्छे काम हुए ये है नहीं। सभी वार्डो जैसे जनता दुखी है। क्या दुखी जनता? पानी से, लाइट से, सफाई से। और हमरी आप कौन से वार्ड में रहते हैं? मैं तो साहब जामदेर से आया हूँ। बारी बारी तो राघोगढ़ की जनता की बात चल रही है, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे इस मामले में बात नहीं करना चाहता हूँ। आप बात करना चाहते हैं, आपका नाम जानना। अरुण कोठारी विधायक प्रतिनिधि हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में राघोगढ़ नगर पालिका जो है विकास के मामले में अव्वल है, और जितना ज्यादा विकास यहाँ पे हुआ है हर क्षेत्र में, पार्क से लेके कंक्रीट से लेके पानी से लेके, सबसे कम दर पे पानी राघोगढ़ में उपलब्ध है। मैं और यहाँ बात करना चाहूंगा कब्रिस्तान का मुद्दा जो की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पे उठाया गया है, हालांकि ये मुस्लिमों से जुड़ा मुद्दा है, इसको लेकर यहाँ के रहजन कुछ बात करना चाहते हैं। अल्ताफ साहब से मैं जानना चाहूंगा कब्रिस्तान का क्या मुद्दा है। छोटे भाई दिलावर खान मंसूरी ने जो बात कही है कि कब्रिस्तान का जो मुद्दा यहाँ पे अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, मैं आपकी प्रेस के माध्यम से मैं दिलावर भाई से भी ये पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश में इनकी सरकार है, इनके मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, राघोगढ़ में जो काम करते हैं, विकास का जो काम किया है आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, जयवर्धन सिंह जी ने किया है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी सरकार जब प्रदेश में बैठी हुई है तो ये हमारे कब्रिस्तान का मुद्दा अपने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर क्यों नहीं निपटवाते? जो आरोप हम पे लगा रहे हैं, मैं इन पे आरोप लगाना चाहता हूँ कि इनके मुख्यमंत्री की ये दोगली राजनीति है राघोगढ़ के प्रति, क्योंकि आदरणीय राजा साहब उनका पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं दिलावर भाई से एक बार फिर अपील करूंगा कि अपने मुख्यमंत्री से बात करें, इस मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें। एक बार फिर आपका स्वागत है राघोगढ़ से डिजियाना की चौपाल में। मेरे साथ राघोगढ़ के रहवासी महबूब भाई इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूंगा राय क्या है नगर पालिका चुनाव को लेकर उनकी राय। देखो पहली बात तो मेरे सबसे नमस्कार, अभी कांग्रेस और बीजेपी की दोनों के चुनाव आ रहे हैं, और आपने तो देखो मीडिया वाले ने भी कौन सी करी है पढ़ाई, उनकी तो भगवान भी करता है बढ़ाई, हर किसी की मिटाते हैं वो लड़ाई, वो बहुत अच्छी विकास पे करते हैं चढ़ाई, मीडिया भी बहुत सही है, सही देते हैं वो खबर, बिल्कुल नहीं करते हैं खबर, पूरा खोल देते हैं खबर। सर यहाँ पे क्या है कि ये जहाँ के जो नेता लोग इतनी जोर से कर रहे हैं, मस्ती ने पूरी बिगाड़ दी, बस्ती मिटा के रख दी, हस्ती ऊपर आ गई, कस्ती इनकी बातें मिल रही सस्ती, और एक तो इन्हें चला दी झूठ, आगे रह के दे दी छूट, और उसी में महंगे हो गए सूट, जैसे दुकानदारों ने मचा दी लूट, और विकास की तो बिल्कुल नहीं करे चढ़ाई, और हम हिंदू मुसलमानों में करवाते हैं लड़ाई, कैसे करूं मैं इनकी बढ़ाई, जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया यहाँ पे बात कही इन्होंने। और कोई भाई जो अपनी बात यहाँ के नगर पालिका के प्रशासन के सामने रखना चाहते हो, नगर पालिका के पदाधिकारियों के सामने रखना चाहते हो? मेरे साथ मौजूद है एक भाई और, जी आपका नाम जानना चाहूंगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत, राघोगढ़ वार्ड नंबर 13 पार्षद जी। सुरेंद्र जी मैं जानना चाहूंगा क्या समस्याएं, जिस तरीके से आपने लोगों की सुनी है उसके बारे में आपका क्या कहना है, और किस तरीके से इन समस्याओं का निराकरण हो पाएगा? नगर पालिका विकास में काफी पीछे है वर्तमान समय में। राघोगढ़ आज इतना बड़ा शहर हो जाता है अगर नगर पालिका राघोगढ़ में यहाँ के लोग, यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो नेता हैं वो ध्यान करते तो आज राघोगढ़ में विकास कुछ और होता। हम देखते हैं कि आज बीनागंज चाचोड़ा जो कि हमारे नज़दीक का 30 किलोमीटर का क्षेत्र है, आज वहाँ पर 20 वार्डों में 1500 आवास का काम चल रहा है, जबकि राघोगढ़ नगर पालिका एक ऐसी नगर पालिका है जिससे आपने कई भाइयों से सुना है कि इसमें करोड़ों रुपए टैक्स आता है, उसके आधार पर इन्होंने मात्र 465 आवास के लिए काम चालू करवाया, जिसमें भी कई जगह आवास बने, कई जगह नहीं बने, कई जगह दूसरी किस्त की समस्या है। तो वर्तमान समय में जो राघोगढ़ की जनता है जो बदलाव चाहती है, और इस बार निश्चित तौर पे बदलाव होना है ये तय है, और उसी क्रम में यहाँ पर समस्त जनता है जागरूक हो चुकी है, और जो लोग समस्याएं कह रहे हैं, मैं पार्षद हूँ वर्तमान समय में, तो मैं सच कह रहा हूँ कि वाकई में परेशानियां हैं, लोगों को समस्याएं हैं कई तरह। ये पार्षद जी हमारे साथ थे, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4.5 साल से कांग्रेस के पार्षद थे, और एक महीने पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, इसके बाद इनको राघोगढ़ से पिछले 5 सालों में विकास नजर नहीं आ रहा है, चूंकि ये खुद कांग्रेस में थे लेकिन अब बीजेपी में है। खैर अब मैं और जनता से बात करना चाहूंगा इसके बारे में, जी आपका नाम जानना चाहूंगा। नहीं मैं नहीं बोल नहीं बोलना चाहेंगे। और कोई भाई जो बात करना चाहते हो राघोगढ़ की समस्याओं के बारे में, अपनी राय रखना चाहते हो मीडिया के जरिए नगर पालिका के सामने, मेरे साथ एक बार फिर हमारे भाई मौजूद है, जी आपका नाम? इमरान खान।
इमरान भाई, मैं जानना चाहूंगा जिस तरीके से आपने अभी तक लोगों की बात सुनी और कहीं ना कहीं आपके द्वारा सुनने में आ रहा है कि आप राघोगढ़ के चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, तो क्या बहिष्कार करने से आपकी समस्याएं सोल्व हो पाएंगी? अरे सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पुरुष ना तुम नारी, लूटो बारी बारी, ये राजनीति चलती है। किसको वोट दें, किस लिए वोट दें, आम जनता का कौन सा काम होता है? मेरे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि जिन लोगों ने गुलामियां की हैं, जिन लोगों ने बड़े नेताओं के पैर दबाए हैं, उनके सबके पेट भर चुके हैं। आम जनता यहाँ पर ना तो बोलना जानती है। आप अभी यहाँ पर इतनी देर से घूम रहे हैं, आपने इतने लोगों के आगे माइक लगाया, अभी तक जितने लोग बोले हैं वो सब जनप्रतिनिधि थे, कोई आम जनता नहीं बोल रही है यहाँ पर। आम जनता बोलना ही नहीं चाहती है, हम क्या करें इसमें साहब? बोलना जानती नहीं है साहब। अभी जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं उनमें से कोई लोग नहीं बोल रहे हैं। इसकी वजह आप बता सकते हैं कि आम पब्लिक क्यों मीडिया के सामने कुछ बोलने में सक्षम नहीं है, नहीं बोल पा रही है? ना तो उन लोगों को कभी मीडिया का सामना करना पड़ा है आज तक, और ना उन लोगों को कभी इस चीज की कभी आदत रही है। और वो लोग झिझकते हैं, ठीक से अपनी बात को नहीं रख पाते, उनको शर्मिंदगी होती है कि भाई हम ठीक से बोल नहीं पाते, समस्या ये है। ना मैं नर ना तू नारी, सबकी बारी बारी, इस तरीके से हमारे भाई ने जो बात रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता का रुझान आ रहा है, जो लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ पे चुनाव का बहिष्कार करने की, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जागने की जरूरत है और जनता से हम बात करना चाहेंगे इस बारे में। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम साहब मुरारी सपेरा है, और जितने भी नागरिक लोग खड़े सब मेरे भाई बंधु, और आप भी मेरे भाई बंधु आए। अभी तक हम लोग जानते नहीं थे अंगूठा छाप में, अभी तक सर जब आज अच्छी सूचना लाए तो हमारी कभी आगे आवाज पहुँच सके। जहाँ भी हम लोग सपेरे लोगों के बच्चों कोई तो नौकरी है और ना कोई हमारी कहीं सुनवाई होती है। जहाँ कहीं धंधा बिजनेस में भी जाते के थाने पुलिस भी बोलते हैं बताओ क्या लिखा क्या पढ़ाओ, तो दुनिया बड़ी परेशानी मिलती है हम सपेरे लोगों को। किसको आप इस आपकी जो स्थिति है इसका जिम्मेदार मानते हैं? अब इसकी जिम्मेदारी सरकार आप खुद जान रहे हो उस बात के लिए, हमारे जितने भी पिछड़े वर्ग में लोग सपेरे लोग हैं, हमको तो कुछ मतलब सहायता मिली ना कांग्रेस में मिली ना बीजेपी में मिली। आप किसको चुनना चाहते हैं? आपको पढ़ाई करने से, शिक्षा हासिल करने से कोई रोकता है? क्यों नहीं शिक्षा हासिल कर पाते हैं आप ही आपके बच्चे? इस वक्त हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। रघुवीर सपेरा इस वक्त ग्राम रघुनाथपुरा बरसल रहने वाला है, डिग्री ले घूम रहा था, उसको नौकरी तक नहीं मिली। यहाँ इन्होंने अपनी समस्या बताई कि पढ़े लिखे लोगों के बेरोजगार घूमने की वजह से इनके बच्चे आगे शिक्षा हासिल करने से कतराते हैं। यहाँ पे और भी कई लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जी भाई, आपका नाम जानना चाहूंगा। राहुल। राहुल क्या करते हैं आप? बीएससी कर रहा हूं फाइनल। राहुल, हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है। राघोगढ़ का चुनाव आ रहा है अगले महीने, उसको लेकर आपके क्या रुझान है और आप क्या यहाँ की समस्याएं हैं, क्या आपकी समस्याओं का निराकरण हो पाया है या कुछ और इस बार होने वाला है, इसके बारे में? चुनाव जो कोई भी जीते, बस मैं यही चाहूंगा कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए कुल मिला के। आपकी कोई समस्या? जी मेरी कोई समस्या नहीं है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। इनका कहना है कि इनकी कोई समस्या नहीं है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। राघोगढ़ से और साथी हमारे साथ मौजूद है। जी आपका नाम जानना चाहता हूं। सर जी मेरा नाम मनोज धाकड़ है। मनोज धाकड़ जी हमारे साथ हैं। आगामी राघोगढ़ चुनाव 17 तारीख को होने वाला है, 17 जनवरी को नगर पालिका का, उसके संबंध में आपकी कोई समस्या है जिनको आप जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाना चाहते हो मीडिया के माध्यम? जी सर जी, मनोज धाकड़ जो भी है सर, मेरे लिए तो क्या, मैं नित कुआ खोदने वाला आदमी, मैं ड्राइवर आदमी हूँ सर, मैं नित कुआ खोदता हूँ, नित पानी पीता हूँ, मुझे ना तो कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से। बाकी मैं इसलिए ये प्रस्ताव में शामिल हूँ कि अगर नया कोई पेड़ को अगर उत्पन्न करेंगे तो हो सकता है आगे चल के भविष्य में अपने को नहीं तो अपने बच्चों को छाए देगा ये। अभी तक तो जितने भी पेड़ थे सब बंजर थे, बांझ थे, इनने किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया। इन साथी का कहना है कि इन्हें नए विकल्प की तलाश है राघोगढ़ में, बहुत अच्छी बात है इनकी भी। जी और साथी जिनसे बात करना चाहूंगा, आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम धर्मेंद्र सैनी है। धर्मेंद्र सैनी जी, राघोगढ़ चुनाव 17 तारीख को जनवरी में यहाँ पे संपन्न होने वाले हैं, उससे पहले जनप्रतिनिधियों तक आप अपनी कोई बात जो मीडिया के माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं? मेरा मुद्दा 15 साल पुराना है। 15 साल पहले जब नगर पालिका चुनाव हुए थे तब जो हमारे उस टाइम के कैंडिडेट थे नरेंद्र लावटी जी, उन्होंने एक वायदा किया था कि ट्रांसपोर्ट नगर में रावगढ़ के युवाओं के लिए एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि वो पूरा क्यों नहीं हुआ है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, और सत्ता में वही लोग रह रहे हैं लेकिन वो वायदा पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं। मेरे एक सवाल का हाँ या ना में आप जवाब दीजिए कि अभी जो प्रेजेंट में जो भी जहां जनप्रतिनिधि है नगर पालिका को लेकर, क्या आप उनसे उनकी कार्यप्रणाली से लेकर सहमत है? अब ये तो मुझसे बेहतर तो रावगढ़ की आम जनता बता आप सकती है। हाँ मैं रावगढ़ का। आप सहमत हैं या नहीं? नहीं हम तो सहमत हैं, क्योंकि आप सहमत हैं, इनका जवाब है सहमत हैं।